इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जितेंद्र तिवारी को जिस तरह से यूपी में गिरफ्तार किया गया था नोएडा में, उसके बाद कोलकाता के एयरपोर्ट में उन्हें उतारा गया है। आप देख सकते हैं कि रेड रंग की शर्ट पहनकर उन्हें, हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं कि राज्य की पुलिस भारी मदों में वहाँ तैनात है और किस तरह से उन्हें धक्का देकर गाड़ी में जितेंद्र तिवारी को जबरन बैठाया गया है। और सीधे तस्वीर आप न्यूज़ दिनभर में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर कि किस तरह से जितेंद्र तिवारी को एक कार पे उन्हें बैठाकर उन्हें एयरपोर्ट से लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें जबरन धक्का देकर जितेंद्र तिवारी को ढुकाया गया। हालांकि आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर कि पुलिस किस तरह से मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रही है। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि राज्य की पुलिस किस तरह से भारी मदों में दल तैनात करके मीडिया से बातचीत करने के लिए नहीं दिया गया। हालांकि जितेंद्र तिवारी मीडिया से कुछ बातचीत करने के लिए प्रयास में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें जबरन गाड़ी में धक्का देकर ढुकाया गया और उन्हें आसनसोल नॉर्थ थाना के लिए रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर कि किस तरह से मीडिया से एक भी बात करने की अनुमति नहीं दी गई। आपको सीधे तस्वीर देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहाँ जितेंद्र तिवारी को बताया जाता है कि कल रविवार है, अगर स्पेशल कोर्ट रही तो उन्हें कोर्ट में कल पेश की जाएगी और नहीं तो उन्हें सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जिस तरह से चैताली तिवारी डंगाल में हुई तीन लोगों की मौत के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था नोएडा सेक्टर के हाईवे पे और एयरपोर्ट लाया गया है, जहां एयरपोर्ट में भारी मदों में पुलिस तैनात थी और वहां से रवाना कर दिया गया है जितेंद्र तिवारी को आसनसोल नॉर्थ थाना लाने के लिए। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर किस तरह से जितेंद्र